ये मेघ देवता जो बरसना है इधर बरस जाओ, मेलबर्न में बरस जाओ, वेले है बाहर बारिश गिरो जितनी गिरनी है उधर ना गिरो, उधर मैच चलने दो। आज तो मैं सब पे लूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, फुल पार्टी होनी चाहिए। नहीं लगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल गेरिया व्लॉग्स। तो रात का टाइम हो चुका है और हम आए हैं मार्केट। आप देख रहे होंगे कि हम पता नहीं कहाँ आ चुके हैं। तो ये है वाइन की एक ब्रूरी शॉप जहाँ पर जो हर तरीके की वाइन मिलती है, और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड के घर में थी एक हाउस वार्मिंग पार्टी और सिटीजनशिप पार्टी, क्योंकि उसको सिटीजनशिप भी मिल गई थी और उसने नया घर भी लिया था, तो इसलिए उसने हमें नाइट पजामा पार्टी भी बुलाया था। और ये इंडिया नहीं है कि हम किसी के घर जाएं तो फ्रूट की जो है टोकरी लेकर जाएं, यहाँ पर कस्टम है, मतलब रिवाज है कि हम किसी के घर जाते हैं तो एज अ उनको जेस्चर में एक वाइन की बोतल देके जाते हैं। यहाँ पर सब लोग ऐसे ही करते हैं, इसलिए हम लोग भी गए वहां पर और एक बोतल खरीदी और सुंदर सा जो है कवर खरीदा उसके बाहर का। इतनी महंगी बोतल ली थी तो सोचा उसको थोड़ा सा दिखने में प्रेजेंटेबल दिखाएं और एक कवर भी खरीद ले, देते हुए अच्छा लगेगा। तो हमने उसकी पैकिंग वैकिंग तो क्या ही करवाई, मतलब कवर में डलवाया और चल पड़े अपने दोस्त के घर रात को, क्योंकि थी पजामा पार्टी तो इसलिए हम भी थे अपने पजामा आउटफिट्स में। बोतल लेके चल दिए हम उसके घर, यहाँ से 40 मिनट की ड्राइव थी, वहां पर हम गए और शुरू कर दी हमने अपनी पार्टी। बहुत ही सुंदर घर डेकोरेट किया हुआ था और बड़ा ही मजा आया, काफी टाइम बाद मिलकर सबसे ही बहुत मजा किया, बहुत फन किया, बहुत एंजॉय किया, फोटोज वगैरह करवाई, केक कटिंग करी, खाना पीना खाया, मजा आ गया दोस्तों से मिलके। रात को वहीं रुके और सुबह जो है हमने अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया, ये है दाबेली। ब्रेकफास्ट करके हम अपने घर की तरफ आ गए। तो दोस्तों, मैंने जो अभी पीछे क्लिप्स डाली थी ज्यादा बना नहीं पाए क्योंकि हम एंजॉय कर रहे थे, और कल हम गए थे अरमीत के फ्रेंड की हाउस वार्मिंग पार्टी में और उसको सिटीजनशिप भी मिल गई है। हमारे ही फ्रेंड हो गए अब तो, वो खाली अरमीत का नहीं रहा। नहीं, हाँ हमारा फ्रेंड है, तो उसके घर गए थे कल रात को, पजामा पार्टी थी इसलिए हम पजामे में ही गए थे दोनों। वहाँ पे हमने खूब एंजॉय किया, फूड खाया, बहुत मस्ती करी। रात को हम 4 बजे सोए हैं और सुबह जो है फुल वहाँ पे एक क्या था, राजू ऑमलेट, हाँ वहाँ पर गए, हमने ब्रेकफास्ट किया मस्त वहाँ पर बैठे धूप में और फिर अपने घर को निकल गए हैं। छोटा सा ही बैग लेकर गए थे क्योंकि रात के लिए गए थे, ज्यादा सामान लेके गए। बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा फन की एंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं वापस से अपने घर और आज हमारा प्लान है कि हम आज बैठकर अपने घर में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे, क्योंकि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। हम दोनों ही एक्साइटेड हैं और आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। इंडिया तो वैसे तो मैं मैच इतना देखती नहीं, पर जब इंडिया पाकिस्तान की बारी आती है तो भाई सब काम छोड़ के बैठ जाते हैं मैच देखने के लिए। और आज हमने पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न सब रख ली हुए पहले से ही घर पे, और मस्त हमने मैच देखना है और एंजॉय करना है। और बाकी हम घर पहुंच के फ्रेशन अप होंगे, फिर आपसे मिलते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, आगे जो है बहुत ज्यादा रश लग गया है क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है आगे एक्सीडेंट हुआ है कोई। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और बहुत स्लो गाड़ियाँ चल रही है, आगे बहुत लंबी लाइन है। तुम्हें तो दिख रही होगी कितनी लंबी है। दिख रही है यहाँ से, पर फोन में नहीं दिख रही, पर वैसे दिख रही है बहुत लंबी लाइन है। बेबी आगे वो गाड़ी खड़ी हुई है, वो रेड वाली होती है ना जो, ओके लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में एक्सीडेंट लेफ्ट में, वो गाड़ी रेड वाली जो लाइटों वाली होती है ना, वो लेफ्ट में खड़ी है। क्या फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ी हुई है? नहीं बेबी, वो जो दिखाने के लिए होती है कि इधर से जाओ आप। अच्छा एरो वाली, एरो वाली। अच्छा, हाँ, जो ब्लिंक इंसिडेंट वाली, हाँ इंसिडेंट कोई हैजर्ड हुआ है ऐसा, वो लेफ्ट में खड़ी हुई है। ठीक है, आगे तो सही है, बस यहीं पे हुआ है फिर तो। हाँ तो ये क्या गिरा हुआ है? ये कुछ गिरा हुआ है, हाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। ये देखो यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है और वो उसके साथ में भी गाड़ी खड़ी है। ये मुझे लगता है कुछ लेके आ रहे होंगे तभी, और कुछ इनका पीछे से सामान गिर गया। ये है मेरा स्माइली वाला नाइट सूट, बहुत ही प्यारा लग रहा है। फुल लेंथ मिरर नहीं है बट ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट सा। अब जाके हरमीत को दिखाते हैं और उसका रिएक्शन देखते हैं। बेबी कहाँ हो? आऊँ क्या? कैसा लग रहा है मेरा? मैं नाइस। अच्छा लग रहा है? बड़ी एक्साइटमेंट ये डालने की, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी इसमें या ठंड? मतलब आज वेदर जैसे गर्म है ना, तो इसमें ठंड भी नहीं लग रही और ज्यादा वो भी नहीं लग रहा है। अच्छा शाम को ठंड जाएगी, कोई बात नहीं अभी के लिए तो ठीक है। अभी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है सच में। वाओ, जैसे एरोप्लेन उड़ता है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। पर अभी इतनी गर्मी आई नहीं है। क्या लेने आई हो? बस यही चाहिए, यही चाहिए इसको, यही चाहिए। ओट्स, मैगी में ओट्स होते हैं? मैगी में ओट्स क्रीम लेते हैं। हाँ। गोलगप्पे वाला पानी ना ले मैं तो कह रहा हूँ, वही इमली पानी रेडी टू यूज, पानी पूरी पानी। बेबी ये उठा लेते हैं एक, मस्त मजा आ जाएगा। और गोलगप्पे भी उठा लो यार, बेबी यार मजा आ जाएगा। देखो इसको टेस्ट करके देखते हैं, ये मस्त है ना, पानी पूरी पानी पूरी।
ये मीठा मीठा भी होगा कि नहीं इसमें? वाटर शुगर हाँ है इसमें, उठा लो। अरे आ गई अभी गोलगप्पे चक्कर, ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, चल कोई नहीं पी ले जाएंगे। आज आज तो मैं सब पी लूँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, फुल पार्टी होनी चाहिए। बस बाकी सब पड़े हैं घर पे। बोलो क्या है? क्या बोलो? बोंगो है वो, बोलो क्या? बोंगो किसको कहते हो? तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें नहीं। बोंगो, ये वीडियो देख के वो समझ जाएंगे जिसको आप बोंगो बोलते हो। बोंगो चलो। अब चलेगा, ठीक हो गया? ब्यूटीफुल शॉट। दोस्तों इसी के साथ हमने शुरू कर दिया है अपने इंडिया और पाकिस्तान का मैच। देख रहे हैं यहाँ पर मैं और मेरे प्यारे मित्र, प्यारे मित्रों, इंडिया पाकिस्तान का मैच। दोस्तों बारिश आ गई है, मैच जो है अभी के लिए बंद हो चुका है और मैच के शौकीन जल्दी बंद हो जाएगी बारिश। ए मेघ देवता बरसो रे, मेगा मेगा ना बरसो, प्लीज ना बरसो, जो बरसना है इधर बरस जाओ, मेलबर्न में बरस जाओ, वेले है, बाहर बारिश गिरो जितनी गिरनी है उधर ना गिरो, उधर मैच चलने दो प्लीज। दोस्तों ठंड लग रही है पर नाइट सूट नहीं उतारना, नया है ना क्या करें, तो इसीलिए हमने जो है कंबल ले लिया हुआ है। हमने नहीं, हरमीत ने दिया है क्योंकि मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे, ठंड लग रही थी, हरमीत कहता कंबल ले ले, पतला बैंड के बैठे। उसके बाद हमने जो है मैच शुरू होने से पहले दाल बनाई थी वो भी हमने खत्म कर ली हुई है, और मैच जो है अभी बारिश आ गया है दोस्तों, मूड बड़ा खराब हो गया है, पता नहीं कब शुरू होता है मैच। हमने अपना दूसरा खाने का इंतजाम भी कर लिया था, वो भी बन के रेडी हो चुका है, इस चक्कर में कि मैच के बीच में उठेंगे नहीं, और अब जो है बारिश आ चुकी है। तो मैच का कोई शौक नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ कंटेंट के चक्कर में मैं देख लिया मेरे साथ। झूठा क्यों नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के मैच का तो हर किसी को होता है शौक, और क्या और क्या। रोहित खेल रहा है अभी, मेरा अपना जिगरी आ रहा है मेरा रोहित, और क्या रोहित, हाँ वो ये रोहित शर्मा भी और वो रोहित वो वाला भी, खतरों के खिलाड़ी वाला रोहित भी, और खतरों के खिलाड़ी वाला रोहित। अच्छा रोहित शेट्टी, यस शेट्टी इज आल्सो माय फ्रेंड एंड शर्मा इज आल्सो माय फ्रेंड। ही है तो मूवी पे जाना है? ना मूवी में उनसे जान के लेती नहीं, मेरे को साइन तो करवाते हैं। अच्छा। मैं जान के लेती नहीं, मैंने कहा तू औरों को भला कर। अच्छा, मेरा तो मेरा तो मस्त चल रहा है, बढ़िया जॉब चल रही है, बढ़िया ब्लॉग। मेरे को सिंह मिला हुआ है, हनी सिंह, और क्या चाहिए मेरे को जिंदगी में, मेरे को सिंह मिला हुआ है मेरा जो बढ़िया, इसलिए मेरे को मूवी शूटिंग के चाहिए कोई ज्यादा, तुम अपना जिनको जरूरत है उनको दो। इतना बढ़िया मेरा जो सिंह है मेरे को ये बना बना के खिला रहा है पकौड़े, और दाल भी बनाई थी जो कि खत्म हो चुकी है, अब आ रही है बीच में एड। गोलगप्पे वहाँ पे पड़े हुए हैं हमारे, साथ में पड़ा है मैगी का पैकेट जो हम अभी लेकर आए हैं, और अब आ गई है ये कटोरी मेयोनीज के लिए। बस बारिश खत्म हो जाए, फोन जो है हम फोन मम्मा औरों को सबको करके बैठ चुके हैं, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाए हमको, बस एक करनाल वाली मम्मा रहेंगे, करनाल वाली मम्मा रहेंगे बस। मैच लेट चल रहा है, लेट तक जाग रहे हैं, हाँ लेट तक जाग रहे हैं हम, नींद नूंद जो अपनी सारी पूरी कर चुके हैं, बस अब हमने मैच में जबरदस्त एंजॉय मार लिया। दोस्तों राहुल जी आउट और कोहली जी की बारी शुरू हो चुकी है, सॉरी रोहित जी। सब एक जैसे लगते हैं, क्या बात है, वाह 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 फिनोमिनल, छक्का नहीं लगा सुंदर थी। क्या तुम मेरे व्लॉग देख रही हो, कमेंट करके जाना जरूर। चाचा क्यों कर रही हो, चाचा पड़ोसियों से प्यार करना बुरी बात तो नहीं है ना, करो अगर विराट और बाबर आजम में से किसी एक को चुनो आपको तो किसको चुनेंगे? विराट कोहली। एक और आएगा अभी, ओ बच गया, कौन है रोहित शर्मा हो गया, चले खाओ कौन आउट हुआ है? देखो जा रहा है, वापिस जा रहा है वो, गिल आउट हो गए यार। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? आप थोड़ा कुछ कह तो सकते हैं, अभी ऐसे आउट होते रहते ये तो खत्म हो जाएंगे 150 में। हाँ वही ना, फिर सोचूंगा मैं। वैसे क्या लग रहा है कि इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी? जीती तो इंडिया चाहिए, लेकिन अब ऐसे चलता रहता है जीतेगी तो इंडिया। आप तो दिल के कहते हैं ये तो, अभी कुछ नहीं कह सकते,
अभी मामला फंसा हुआ है, अब बहुत फंसा है, मुझे पूरा देखने दो, ये इनको मुझे 100-150 रन पार कराने तो मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा मतलब अभी 7-8 प्लेयर करने दो, मतलब इनके 7-8 प्लेयर, 4 तो आउट हो गए, रह कितने गए हैं, मतलब 7 तक हो गए बस, अब नहीं कोई भी आउट होना चाहिए, अब कोई भी आउट हुआ तो हम खतरे में। भाई इसको देखो दोस्तों, चला गया सुधीर नाम है उसका, इसको देखो। हाँ सचिन तेंदुलकर उसको वो करता है स्पॉन्सर उसके सारे मैचेस। हेलो दोस्तों, तो कल का मैच जो है वो नहीं हो पाया पूरा क्योंकि बारिश आ गई थी और इंडिया ने आई गेस 266 रन बनाए थे और अब मैच जो है वो कैंसिल हो गया है, मतलब अब नहीं होगा। नेक्स्ट जब वर्ल्ड कप आने वाला है अक्टूबर में शायद, तो वो देखेंगे आपके साथ। और कल जो है मैच भी कैंसिल हो गया था और बारिश भी आ गई थी, इस वजह से मैच कैंसिल हुआ है और हमको बहुत नींद भी आ रही थी, हम सो गए थे, व्लॉग एंड नहीं हो पाया, तो मैं आज व्लॉग एंड कर रही हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं नए व्लॉग में। जाने से पहले बता के जाइएगा कि इंडिया ने आज तक, मतलब अभी तक कितने वर्ल्ड कप जीते हैं।